में यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एम्बुलेंस नहीं है। पेशेंट को बीमार होने से पहले अब ये बताना पड़ेगा कि रात के टाइम पे कोई पेशेंट बीमार ना हो। 7,500 रुपया प्राइम से कालसेकर हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए मांगा गया। एक बार फिर मुम्बरा शहर में एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से जुबैदा अंसारी 70 वर्षीय महिला की मौत हो गई। ये महिला सेंट मैरी स्कूल के पास दारुल फला कॉम्प्लेक्स में रहती थी। रिजवान इरफान अंसारी 21 वर्षीय ने बताया कि उनकी खाला जुबैदा अंसारी की तबीयत 22 जून की रात सीने में दर्द की शिकायत थी, उन्हें प्राइम अस्पताल ले गया। ये भी जानकारी दी कि उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, मगर आईसीयू खाली ना होने की वजह से फिर उन्हें रहमानिया बुरहानी बिलाल अस्पताल ले जाया गया, मगर वहां भी आईसीयू खाली नहीं थी और भर्ती नहीं हो सकी। दोबारा उन्हें फिर प्राइम हॉस्पिटल लेकर आया गया तो प्राइम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन तो लगा दिया गया, मगर उन्हें आईसीयू की सख्त ज़रूरत थी। हालांकि जिस महिला की मौत हुई है, परिवार वालों ने किसी कारणवश उनकी फ़ोटो नहीं दिखाने को कहा है। प्राइम हॉस्पिटल में रिजवान को जानकारी दी गई कि 2 घंटे का समय है, उन्हें कहीं दूसरे अस्पताल में ले जाएं और आईसीयू की इन्हें सख्त ज़रूरत है। 24 घंटे मुम्बरा शहर में एम्बुलेंस देने का दावा करने वाले सभी फेल होते नज़र तब आए जब रिजवान ने बताया कि एम्बुलेंस के लिए कॉल लगाता रहा मगर कहीं से भी एम्बुलेंस नहीं मिली। किसी का फ़ोन स्विच ऑफ तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। घंटों एम्बुलेंस के लिए ट्राई करता रहा मगर मुम्बरा शहर में 24 घंटे चलने वाले एम्बुलेंस सर्विस नहीं मिल पाई। आखिर में मुंबई के हबीब अस्पताल से संपर्क किया और वहां आईसीयू भी खाली थी और वहीं से एम्बुलेंस भी मंगवाई, मगर एम्बुलेंस आते आते सुबह करीब 6:30 बजे जुबैदा अंसारी की मौत हो गई। रिजवान का कहना है कि अगर सही समय पर एम्बुलेंस मिल जाती तो आज उनकी खाला जुबैदा अंसारी जिंदा होती। इस पूरी घटना पर क्या जानकारी दी है रिजवान ने, सुनिए। अंसारी मोहम्मद रिजवान, अच्छा क्या पूरा मामला क्या हुआ था, जिनका डेथ हुआ है, आप उन्हें किस किस हॉस्पिटल में ले गए थे और किस वजह से आखिर डेथ हुई उनकी? वो मेरे खाला थे, उनका नाम जुबैदा अंसारी था। उनको मैं पहले लेके गया प्राइम हॉस्पिटल। प्राइम हॉस्पिटल में जाने के बाद में मुझे मालूम पड़ा कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो सांस लेने में तकलीफ होने के कारण उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और कुछ इंजेक्शन लगने थे जो आईसीयू में ही लग सकते थे। तो मैं प्राइम हॉस्पिटल उनको लेके गया, प्राइम वालों ने उन्हें एडमिट किया तो प्राइम वाले ने मुझे बताया कि इनको आईसीयू की सख्त ज़रूरत है और प्राइम के पास आईसीयू खाली नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं गया बुरहानी हॉस्पिटल। बुरहानी हॉस्पिटल में मैंने पता किया कि क्या यहाँ पे आईसीयू खाली है, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि आईसीयू खाली नहीं है। फिर मैं वहाँ से गया रहमानिया हॉस्पिटल। रहमानिया हॉस्पिटल में मुझे मालूम पड़ा वहाँ पे भी आईसीयू खाली नहीं है। फिर मैं गया बिलाल हॉस्पिटल उनको लेकर। बिलाल हॉस्पिटल में भी मुझे मालूम पड़ा कि आईसीयू यहाँ पे भी खाली नहीं है। फिर मैं रिटर्न आया, उन्होंने मुझे बोला कि 2 घंटे के बाद, 2 घंटे का आपके पास टाइम है, पेशेंट अभी स्टेबल है, आप उनको ऑक्सीजन के साथ में जो हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है आप कर सकते हो। तो मैंने सफायर में फ़ोन किया, सफायर का 3 नंबर स्विच ऑफ आया, किसी से मेरी कांटेक्ट नहीं हो पाया सफायर में। तो फिर मैंने पूछा बॉम्बे में हबीब हॉस्पिटल में, तो वहाँ मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ पे बेड अवेलेबल है आईसीयू के लिए, मैं वहाँ पे जाके उनको शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एम्बुलेंस के लिए ट्राई किया, वो लोग ने मुझे बताया थे कि मुझे अच्छा फिर यहाँ पर आप बिलाल में रखे थे अपने खाला को या प्राइम हॉस्पिटल में? मैंने उनको रखा था, वो लोग ने ओपीडी में उनको लिए थे, उनको ऑक्सीजन लगा के ओपीडी में रखा गया था। आईसीयू की जरूरत थी, अब उनके पास आईसीयू खाली था नहीं था, कोविड सस्पेक्ट, उनको पता नहीं क्या तकलीफें थी कि उसके वजह से उन्होंने वहां पे उनको लिया नहीं। उसके बाद में मेरे को एम्बुलेंस के लिए बोला गया, तो मैंने प्राइम से पहले, सबसे पहले मैंने प्राइम से पूछा कि आप मुझे एक एम्बुलेंस अरेंज करा दो। तो उन्होंने मुझे एक लिस्ट दिखा दी, उसके अंदर सब एम्बुलेंस का नंबर लिखा हुआ था। वो लोग ने बोला ये एम्बुलेंस का नंबर है, आप इसके अंदर से कोई भी एम्बुलेंस वाले को फोन करके बुला लो। मैंने वहां पे कॉल किया, वहां पे से मुझे कोई रिस्पांस नहीं, जिसके किसी के पास ड्राइवर नहीं है, किसी के पास डॉक्टर नहीं है। किसको कॉल किए थे एम्बुलेंस वालों? साई श्रद्धा करके एक एम्बुलेंस थी और यहाँ किस्मत कॉलोनी में भी एक एम्बुलेंस चलती है, उनका नंबर था, उनका नाम नहीं मुझे पता है। अनवर नूरी का नंबर था मेरे पास में, जो नूरी कंस्ट्रक्शन ने अभी एम्बुलेंस दिए हुए कार्डियक एम्बुलेंस, वहां पे मैंने कॉल किया। मेरे पास अबू बकर नूरी अंकल का नंबर था, मैंने उनको कॉल किया, उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद में बैनर पे उनके और 3 नंबर थे, मैंने तीनों नंबर पे कम से कम एक एक नंबर पे 3-3 बार ट्राई किया, कोई रिप्लाई नहीं। फिर उसके 10-15 मिनट के बाद मेरे को वहां से कॉल आता है,
कि आपने कॉल किया था, क्या हुआ? तो मैं उनको बताया मैंने कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे एम्बुलेंस चाहिए, मुझे बॉम्बे लेके जाना है ऑक्सीजन एम्बुलेंस से. तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं ड्राइवर से कॉन्टेक्ट करके आपको रिटर्न कॉल करता. फिर 10-15 मिनट का उन्होंने मुझे रिटर्न कॉल किया, उन्होंने बताया कि 3 बजे हमारा जो ड्राइवर था पुराना वो चला गया, अब नया जो ड्राइवर आएगा वो 7 बजे आएगा. 3 से 7 के पास में हमारे पास में कोई एम्बुलेंस सर्विस अवेलेबल नहीं है. फिर मुझे मालूम पड़ा कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने एक एम्बुलेंस मुमरा के लिए दिए है, उसके अंदर ऑक्सीजन है. तो उसके अंदर नंबर लिखा हुआ था, पहला तो नंबर था डॉक्टर मुमताज शाह का, जिनके नंबर पर मैंने 3 से 4 बार कॉल किया, उनका फोन स्विच ऑफ आया. उसके बाद में दूसरा नंबर था जावेद मेडिकल का, उनको कॉल किया, उनका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था. एक बबलू करके नंबर लिखा हुआ था, उनके नंबर पे कॉल किया, उनको 2 बार कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं उठाए. गुड्डू करके नंबर था, उनको कॉल किया, उन्होंने फोन नहीं उठाए. एक दूसरे नंबर मेरे पास में कुछ एनसीपी के दूसरे नंबर थे, उनपे भी कॉल किया गया, उनपे से भी किसी ने मेरा कॉल उठाया नहीं. मेरे को किसी भी तरह की कोई हेल्प यहाँ से हुई नहीं. फिर मैंने बॉम्बे में हबीब हॉस्पिटल में कॉल किया, तो वहां पे से मुझे एम्बुलेंस मिली. वो लोग बॉम्बे से एम्बुलेंस लेके निकले थे, विक्रोली आने तक के सुबह 6:30 बजे मेरी खाला की डेथ हो गई. उसके बाद में प्राइम हॉस्पिटल, अभी आप प्राइम हॉस्पिटल की एक जिम्मेदारी बनती थी कि आपने मेरे से फीस ले ली है. 1500 रुपये ये लोग ने मेरे से फीस आधे घंटे में चार्ज कर लिए थे. जब इन लोग ने मेरे से फीस ले लिए, इंतकाल वहीं पे हो गया था प्राइम हॉस्पिटल में. तो इनकी एक जिम्मेदारी बनती थी मुझे डेथ सर्टिफिकेट इशू करना. इन्होंने मुझे कोई हेल्प नहीं किए, इन्होंने मुझे बोले आपको यहाँ से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी, आप बाहर चले जाओ, आपको बाहर से कोई भी लोकल डॉक्टर से आपको डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगी. तो जब मैंने आपको यहाँ पे 1500 रुपये बिल दे दिया हो, पेशेंट आपके यहाँ पे ऑपरेट हो चुका है, फिर आप कैसे मना कर सकते हो कि आपके पास में ऑपरेट नहीं हो रहा पेशेंट, हम डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे सकते. सर्टिफिकेट कहाँ से लिया? सर्टिफिकेट एक दूसरी जगह थी रशीद कंपाउंड में, मैं डॉक्टर का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वहां से मुझे सर्टिफिकेट मिली, वो भी 3500 रुपये मेरे को सर्टिफिकेट का लगा. अब क्या लग रहा है आपको कि अगर शायद मुमरा शहर से अगर वक्त पे आपको एम्बुलेंस मिल जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी? 2 घंटे का मेरे पास में टाइम था, उन्होंने मुझे डॉक्टर जो थे वहाँ पे आरएमओ, उन्होंने मुझे बताए थे कि आपके पास 2 घंटे का टाइम है, उनको इतना ऑक्सीजन की जरूरत है कि वो कहीं भी उनको ट्रेवल करके 2 घंटे में आप ले जाके उनकी जान बचा सकते हो. लेकिन मुमरा के जो हालात चल रहे, 14 लाख की आबादी है मुमरा की इस टाइम पे, जो ऑफिशियल ये अनऑफिशियल आबादी 14 लाख की है, 14 लाख में यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एम्बुलेंस नहीं है. यहाँ के लोग खाली वादे करते हैं कि यहाँ पे हम एम्बुलेंस दे रहे हैं, 24/7 दे रहे हैं, 24 घंटे में आप कभी भी फोन करो आपको एम्बुलेंस मिल जाएगी. लेकिन पेशेंट को बीमार होने से पहले अब ये बताना पड़ेगा कि रात के टाइम पे कोई पेशेंट बीमार ना हो, क्योंकि रात के टाइम पे मुमरा में कोई एम्बुलेंस सर्विस नहीं है. आपको बीमार होना है तो आप सुबह में बीमार हो तो आपको एम्बुलेंस मिलेगी, वो भी अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो. यहाँ तक के 7,500-8,000 रुपया एक दूसरे पेशेंट के लिए, एक 7,500 रुपया प्राइम से कालसेकर हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए मांगा गया. ठीक. ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें. अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.